बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। बच्चों, ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में कई वैज्ञानिक खोजों के बारे में तुम्हें बताया है, आज भी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खोज के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, हवा की ताकत की खोज की कहानी, जिसे लिखा है अंशुमाला गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। ये तो कोई शैतान है, भूत प्रेतों से बातें करता है। लोग हमारे इस वैज्ञानिक के बारे में ऐसी बातें किया करते और उसे देखकर घरों में घुस जाते। हालांकि जिससे वे इतना डरते थे और पागल समझते थे वो उनके शहर का काबिल मेयर था। यह जर्मनी में 1602 की बात है, 1602 यानी 420 साल पुरानी। ऑटो वॉन ग्यूरिक ने कहा था कि उसने ऐसी मशीन का आविष्कार कर लिया है जिससे एक बंद डिब्बे के अंदर की हवा चूसकर अंदर वैक्यूम बनाया जा सकता है। लेकिन महान वैज्ञानिक अरस्तु ने तो बहुत पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि कुदरत वैक्यूम को पसंद नहीं करती, इसलिए लोग सोचते थे कि कोई पागल ही वैक्यूम बनाएगा। बात उड़ते उड़ते सम्राट फर्नांडेस तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि वो खुद जाकर इस बात की तहकीकात करें कि मेसबर्ग शहर का मेयर क्या सचमुच इतना पागल है। नगरवासियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, झंडियों आदि से शहर को जगमग करके अपने राजा का स्वागत किया। शानदार भोज हुआ और उसके बाद वॉन ग्यूरिक खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अब अपने नए पंप का प्रदर्शन करूंगा। मैं एक गोल बर्तन से सारी हवा निकालकर उसके अंदर वैक्यूम बनाऊंगा। सारा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, लोग उसका मजाक बना रहे थे। सम्राट थोड़े पशुपेश में था, उसने मजाक नहीं बनाया। लेकिन उसके साथ आए एक दरबारी ने कहा, क्या कोई ऐसा उपकरण हो सकता है जिससे हम गोले के अंदर झांक कर वैक्यूम को देख सकें? और लोग फिर हंस पड़े। वॉन ग्यूरिक शांत रहा, वो बोला, यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूर एक खुला मैदान है, मैं वहीं अपना प्रदर्शन करूँगा। सम्राट अपने घोड़े पर और सारे दरबारी जनता एक बड़े जुलूस के रूप में उस मैदान में पहुंचे और मेयर ने अपना प्रयोग दिखाना शुरू कर दिया। उसने दो बड़े तांबे के अर्ध गोलाकार बर्तन दिखाए, यानी कि एक बड़े गोल बर्तन को दो हिस्सों में बांटा हुआ था। उसके बाद सबके सामने उन गोलों को अलग अलग किया और इस तरह बताया कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। फिर उसने उसको बंद किया और अपना वायु पंप लेकर आया। ये वायु पंप एक धातु का बना बेलन के आकार का उपकरण था जिसमें एक तरफ हैंडल लगा हुआ था। अभी तो आपने खूब देखे होंगे इस तरह की पंप वगैरह, उस जमाने में उसने पहली बार बनाया था। अब उसने दोनों अधगोलों को आमने सामने रखा और अपने वायु पंप के मुंह को एक गोले में बने हुए छेद से जोड़ दिया और कहा कि अब देखना, मैं इस गोले के बर्तन में से हवा चूसकर निकालूंगा। और उसने उस पंप का हैंडल चलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हैंडल फटाफट चल रहा था क्योंकि काफी हवा थी अंदर, लेकिन धीरे धीरे हवा अंदर कम होने लगी और हैंडल मुश्किल से चलने लगा। क्यूरिक को भी बहुत जोर लगाकर उसको चलाना पड़ रहा था और आखिर में हैंडल चलना बंद हो गया। म्यूरिक पसीना पसीना हो गया। अब वो दर्शकों की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, आप में से एक मेहमान ने पूछा था कि क्या हम अंदर देख सकते हैं, उन्हें अंदर बहुत कम दिखेगा क्योंकि हम सब कुछ अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क की रोशनी से कहीं ज्यादा देख सकता है बजाय अपनी आंखों की। उसने आगे समझाया, जब तक गोले में अंदर हवा थी
हवा का दबाव बाहरी वायुमंडलीय दबाव के बराबर था और दोनों एक दूसरे को काटते थे, इसलिए अर्धगोलों को अलग अलग करना आसान था। लेकिन अब गोलों के बीच में हवा नहीं है। अब वायुमंडल का भारी दबाव इन अर्धगोलों को आपस में कस के दबा के रखे है और इन्हें अलग करना आसान नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि अंदर हवा नहीं है। उसने गोलों को खूब हिलाया और दोनों हिस्सों को अलग अलग करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। फिर उसने सम्राट को उकसाया कि वो अलग करके देखे। सम्राट अपने बाहुबल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो सम्राट ने आके दोनों गोलों को बहुत जोर से खींचने की कोशिश की, पर वो अलग नहीं हुए। सारे दर्शक हैरान रह गए, पर हैरान होना तो अभी बाकी था। वॉन ग्यूरिक ने 4 घोड़े मंगवाए, 2 घोड़ों को गोले के एक तरफ और 2 को दूसरी तरफ जोड़ दिया और दोनों घोड़ों को चाबुक से इधर उधर दौड़ाया, यानी कि 4 घोड़ों की शक्ति भी उस गोले को खोल नहीं पाई। फिर उसने 4 और घोड़े मंगवाए और दोनों तरफ 4-4 घोड़े जोड़े, और फिर उसने और घोड़े मंगाए 16 घोड़े और 8-8 घोड़े दोनों तरफ जोड़े। तब कहीं जाकर एक धमाके के साथ गोला 2 टुकड़ों में बंटा और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पहली बार वायुमंडल के भारी दबाव का और वैक्यूम की उपस्थिति का सबूत इस प्रयोग ने दिया। वॉन ग्यूरिक ने अपने विचारों और तर्कों पर से सारा संशय और निंदा एक झटके में खत्म कर दी। इसके बाद सम्राट ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको खुलकर विज्ञान के प्रयोग करने की छूट दे दी। आगे चलकर उसने बिजली के स्वभाव के बारे में भी बहुत सी मूल्यवान जानकारियां इकट्ठी की। तो देखा आपने बच्चों, जो भी पहले कोई नया आविष्कार करता है, लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं, लेकिन आखिर वो मानव सभ्यता को एक ऐसी चीज देकर जाता है जो उनके जीवन को और आसान कर देता है। तो बच्चों, ये थी हवा की ताकत की खोज की कहानी, जिसे लिखा है अंशुमाला गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahkarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।